गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर सनी शफीक आज आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, इसके क्या अफ़ाल हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है, क्या अलामत हैं, क्या परहेज़ है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म का एक अहम कंपोजिशन है। ये हमारे जिस्म में प्रोटीन के साथ कंबाइन होके रहता है। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो दोस्तों इसके अफ़ाल क्या हैं? नंबर एक, ये हार्मोन बनाने के काम आता है। नंबर दो, ये विटामिन डी बनाने के काम आता है। नंबर तीन, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन का एक अहम हिस्सा है, ये खाना हज़म करने में मदद देता है। और दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है? हाई कोलेस्ट्रॉल जब ये नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाए, यानी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जब इसकी रेंज बढ़ जाती है, तो इसे हम हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल में होता यह है कि हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से खून का बहाव कम हो जाता है। जब खून का बहाव कम होता है तो हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड मसले शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इसकी क्या अलामत हैं? नंबर एक, ये कमज़ोरी और थकान महसूस होती है। नंबर दो, हाथ और पाँव में झंझनाहट होती है। नंबर तीन, सर में और गर्दन के गिर्द दर्द महसूस होता है। नंबर चार, मोटापा हो सकता है। नंबर पाँच, ये खानदानी तौर पर भी हो सकता है। नंबर छः, ये जिगर की कोई बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि जिगर इसे मैनेज करता है। हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है इसकी वजह से। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि किन चीज़ों को से परहेज़ करके हम इससे बच सकते हैं। नंबर एक, अंडों से परहेज़ रखें। नंबर दो, मछली से परहेज़ रखें। नंबर तीन, बड़े गोश्त से परहेज़ रखें। नंबर चार, तेल और घी से परहेज़ रखें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके आप इस्तेमाल करने से इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो नंबर एक पे है एलियम सैटिवम मदर टेंचर। नंबर दो पर है गुटेरिया गमेरी मदर टेंचर। नंबर तीन पर है क्रेटिकस मदर टेंचर। तो दोस्तों इन तीनों मदर टेंचर को आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले और 100 ml की बोतल साथ में ले हाली और उस पर ड्रापर लगा हुआ हो। ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों करना ये है कि तीनों मेडिसिन को बराबर मकदार में 100 ml की बॉयल में डालकर उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो जब ये मिक्स हो जाए तो आपने 20 कतरे एक घूंट पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। सुबह नाश्ते के टाइम आपने नाश्ते से पहले यूज़ करना है और दोपहर को खाने के बाद आपने 2 घंटे बाद यूज़ करना है और रात को खाने के बाद 1 घंटे बाद आपने इसे यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीका 20 कतरे एक घूंट पानी में डाल के आपने तीनों टाइम इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों कम से कम 6 महीने आप इसे यूज़ करें। 6 महीने के बाद ये आपका हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।